हेलो एवरीवन, देखिए आज जो है हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों ये इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हम लोग आज बात करने वाले हैं स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल और जो एक्सरसाइज कांस्टेबल है, ठीक है, जो उत्पाद सिपाही है उसके बारे में बात करने वाले हैं। इन दोनों फॉर्म को आप लोग जो है किस जो है तरीके से आप लोग पास कर सकते हैं, इसमें किस प्रकार का जो है स्ट्रेटेजी है आप लोग अपनाना है आप लोग को अभी, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी नज़दीक आ रहा है। तो ऐसे में आप लोग का जो स्ट्रेटेजी है, जो स्टडी का जो स्ट्रेटेजी है वो किस प्रकार से आप लोग करेंगे और किस प्रकार से इस एग्ज़ाम को जो है आप लोग क्रैक करेंगे उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हाई गाइज, मैं डेविड एंड यू वॉचिंग स्टडी ट्रिक पॉइंट। देखिए इसमें हम लोग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 5 टिप्स हैं इसके बारे में बात करेंगे और इन्हीं 5 टिप्स को जो है आपको फॉलो करके चलना है। हम लोग का जो पहला पॉइंट है वो है टारगेट बनाना। देखिए टारगेट बनाने का मतलब है कि आपने अभी एक फॉर्म अप्लाई किया है स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल का और एक एक्सरसाइज कांस्टेबल का, तो इन दोनों फॉर्म के ऊपर को ही आपको टारगेट बनाना है, इन दोनों फॉर्म को ही टारगेट बनाना है, ठीक है। अगर आपने किसी ने अगर स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल को अप्लाई किया है और एक्सरसाइज कांस्टेबल को नहीं किया है तो आप सिर्फ स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल को ही टारगेट करें। अदरवाइज जैसे कि आपने अभी अगर रेलवे का फॉर्म अप्लाई किया है या फिर एसएससी का फॉर्म अप्लाई किया है तो उनके ऊपर अभी बिल्कुल भी ध्यान ना दें। आपका सबसे पहला मकसद होना चाहिए जो भी एग्ज़ाम आपका पहला है अभी आने वाला है उसके ऊपर आपका 100% आपको देना है, ठीक है। ऐसे में आप क्या होगा कि आप जब भी इसमें 100% दीजिएगा तो आप जब भी एग्ज़ाम देने जाइएगा तो मान के चलिए आपका 100% अगर आप लोग देते हैं तो उसमें आपको 80% क्वेश्चन आप लोग उस चैप्टर से हमेशा आप लोग सही करके आइएगा, ठीक है। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि टारगेट बनाना, आपको जो फॉर्म अप्लाई किया है सबसे पहले उसी पे फोकस आप लोग रखिए, अदरवाइज सब्जेक्ट जो भी है, अदरवाइज जो भी फॉर्म आप लोगों ने अप्लाई किया है उसके ऊपर से आप लोग फोकस अभी फिलहाल हटा के रखें। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो डिसिप्लिन, ठीक है। दूसरा क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डिसिप्लिन। देखिए डिसिप्लिन से हम जो बोलने का मकसद है वो ये है कि एग्ज़ाम के वक्त, ठीक है, एग्ज़ाम अभी नज़दीक आ रहा है आप सबको पता है, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि पर डे आपको 7 से 8 घंटे की पढ़ाई एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको करना है। आप लोग कुछ भी करिए पूरा दिन भर, अगर आप लोग खेलते हैं कुछ भी काम करते हैं तो करिए, लेकिन आपको पर डे आपको रूटीन के हिसाब से 7 से 8 घंटे की पढ़ाई जारी करनी है, ठीक है। आपको मतलब इसे जो है आपको अप्लाई करना ही है, अदरवाइज आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा, ठीक है। ये आपको जो है स्ट्रेटेजी में आपको शामिल करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग तीसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो वो है पॉजिटिव थिंकिंग। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए, देखिए, कि आप जो है एग्ज़ाम में पास नहीं कर पाइएगा तो आपको पढ़ना नहीं है या फिर आपसे नहीं होगा ये चीज़, ऐसी कोई भी थिंकिंग आपको अपने माइंड में नहीं लाना है। अदरवाइज़ अगर कोई ये भी कहता है कि जेएससी जो है वो घुसखोर है या फिर वो जो है कुछ पैसे लेके पास करवाती है या अदरवाइज़ बहुत तरीके के जो है लोग बातें करते हैं, उनके ऊपर ज़रा भी फोकस नहीं करना है, ठीक है। आपको अपना जो है थिंकिंग को पॉजिटिव रखना है कि मुझे जो है किसी भी कीमत पे इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखेगा तो ही आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव थिंकिंग आपको जो है डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो आपको जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको अपना टारगेट के ऊपर ध्यान देना है और अपना थिंकिंग को पॉजिटिव रखना है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए हम लोग का जो चौथा जो पॉइंट है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये ग्रुप्स। देखिए अगर आप लोग जहाँ तक संभव हो सके अगर आप लोग किसी एक टाइम पे अगर ग्रुप्स बना के पढ़ते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। देखिए ग्रुप का मतलब ये नहीं कि ग्रुप में बैठ के आपको बातें करनी है, ग्रुप में बैठ कर आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी से रिलेटेड बातें करनी है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मैंने ग्रुप्स देखे हैं जो कि बैठते तो हैं पढ़ने के लिए बट वहाँ पर पढ़ने की बातें कम होती है और इधर उधर की बातें अधिक होती है, तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ स्टडी से रिलेटेड ही बातें करनी है। अगर अदरवाइज आपको लगता है कि आपका जो है अगर ग्रुप में वक्त अगर फालतू का जा रहा है तो ऐसे में आपको जो है उस ग्रुप को छोड़ देना है, ठीक है। जहाँ पे फालतू की बातें होंगी वैसे ग्रुप पे आपको नहीं रहना है। और वैसे भी जैसे कि आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, जो फेसबुक ग्रुप होते हैं, उनमें आप लोग अधिकतर यही कोशिश करिए कि फालतू की बातें ना करिए। अगर स्टडी से रिलेटेड कोई बातें होती है जो इम्पोर्टेंट लगे आपको तो वहीं पर उसी चीज़ पर बात करें, अदरवाइज आपको ग्रुप्स में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसी के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। फालतू की बातें नहीं करनी है ग्रुप्स में, ठीक है। चलिए पांचवा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है
वो है नेक्स्ट लेवल की तैयारी। देखिए नेक्स्ट लेवल की तैयारी से मतलब ये है कि अदरवाइज आप लोग जो है देखिए एग्ज़ाम दीजिएगा, एग्ज़ाम में अगर आपने अच्छा स्कोर अगर आप लोग करते हैं तो ऐसे में आपको चुप नहीं बैठना है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा जो एक स्कोर है, अदरवाइज मैं जो है इसका एक कटअप बना दूंगा, हालांकि अभी नहीं बनाऊंगा, बाद में उसे बना दूंगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आपको लगेगा कि इतना मार्क्स जो मेरा परसेंटेज है जो पास करने के लायक है, अगर आपको लगता है तो आप लोग जो है इसमें नेक्स्ट लेवल की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है आपको पता है कि दो एग्ज़ाम है, इसके बाद जो है फिजिकल है, ठीक है, तो मेडिकल है, फिजिकल है, तो आप लोग जो है फिजिकल की तैयारी में जुट जाइएगा। ऐसा नहीं कि आपको जो है स्थिर बैठ के रह जाना है, ठीक है, एक मिनिमम स्कोर के बाद आपको आगे की तैयारी जारी कर देनी है। और मैं आपको अंत में यही करूँगा कि ये जो पाँच चीज़ें हैं अगर आप लोग इसे फॉलो करते हैं तो 100% आपका रिजल्ट बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो चीज़ है अदरवाइज, सबसे जो पहला पॉइंट मैंने बताया जो टारगेट है, आप लोग टारगेट से हटिए मत। आपका सबसे पहला मकसद होना चाहिए जो फॉर्म अभी आने वाला एग्जाम है आपका, अभी स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल का और एक्सरसाइज कांस्टेबल का, इसके ऊपर 110% आपको इसी पे फोकस रखना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।